साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में PCS की परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग PCS 2019 के जो प्रथम प्रश्न पत्र रहा है उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में बचे हुए शेष 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है ये शाकनाशक का उदाहरण है। इसके बारे में और देखें तो शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO3, सोडियम क्लोराइड। वहीं आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, दो सूचियाँ इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो यदि इनका सुमेलन करें तो केवलर क्या है, केवलर जो है ये एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है, केवलर संश्लेषित रेशा है, तो दो से मिला दीजिए। और वहीं पर टैक्सोल जो है ये कैंसर रोधी दवा है, कैंसर रोधी दवा है, तो तीन से मिला दीजिए। जिंक फॉस्फाइड जो है ये रोडेंट नाशी है, चूहे मारने की दवा होती है, तो ये चार से मिला दीजिए। नाइट्रोसेलुलोज जो है ये विस्फोटक है, वन से मिला दीजिए। तो 2, 3, 4, 1 अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसको आप फिर से देख सकते हैं, केवलर संश्लेषित रेशा है, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है, जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी है और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। वहीं आगे देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब प्रयोगशाला में कौन सबसे पहले बना है और उस क्रम में आप सजाते जाइए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका केवलर बना, संश्लेषित रेशा, ठीक है, केवलर संश्लेषित रेशा है ये। इसके बाद आपका फ्लोरीन बनता है, फिर आपका ग्रेफीन और सबसे लास्ट में ब्लैक गोल्ड है। तो 4, 4, 2, 3, 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका स्थित ड्यूपोर्ट लेबोरेटरीज ने वर्ष 1964 में 1964 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी क्वेलोक ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटा तथा अमेरिकी वैज्ञानिकों रिचर्ड ई स्मेल तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। और ग्रेफिन को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में दो अनुसंधानकर्ताओं आद्रे गीम तथा कोस्तिया नोवेशलो द्वारा संश्लेषित किया गया था। वर्ष 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। तो ये क्रम था, केवलर, फुलेरिन, ग्रेफिन और ब्लैक गोल्ड। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो देखेंगे कपास जो है ये प्रोटीन नहीं है, जबकि जो केश या बाल है, आपके लूता, रेशम, स्पाइडर सिल्क या खुर, ये सभी जो है प्रोटीन है। देखिए, कपास एक मुलायमदार रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, तो यह है अग्नाशय। तो ध्यान रखिएगा अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय दो मुख्य कार्य करते हैं, बहिःस्रावी जो है यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, जबकि अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। वहीं आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति कण होता है, किसकी उपस्थिति कण होता है, तो ये जो है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की वजह से इसका औषधीय जो है महत्व होता है। इसके बारे में और देखें तो तुलसी, जिसका वैज्ञानिक नाम है ऑक्सिमम सेक्टम, एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी एंटी इन्फ्लेमेंट्री तथा प्रति आक्सीकारक एंटी ऑक्सीडेंट गुणों के कारण विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, शेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनाल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। अगला है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है, जो पॉलिश, तो चूंकि इसमें विटामिन B1 खत्म हो जाता है इसलिए बेरी रोग होगा आपको, ठीक है। तो देखिए, सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन अर्थात विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः ये ही चीज़ें शामिल हैं
तो यह शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरीबेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और प्रचुर स्रोत। तो देखिए, इसमें विटामिन बी सिक्स जो है ये धान की चोकर या राइस ब्रेन में होता है। विटामिन B2 जो है ये कॉड युक्त तेल में नहीं होता है। विटामिन B2 जिसको रिबोफ्लेविन कहते हैं ये हरे मतलब अंडे, हरे सब्जियां, फली, दूध इत्यादि में पाया जाता है, ना कि कॉड युक्त तेल में पाया जाता है। जो कॉड युक्त तेल होता है ये कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए और डी होता है। तो ये जो आपका कॉड यकृत तेल है इसमें विटामिन ए और डी होता है, ना कि विटामिन B2। विटामिन ई जो होता है गेहूं अंकुर तेल में होता है और विटामिन के अल्फा में होता है। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो ये कथन सही है। कारण मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ये भी सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये कथन आपका गलत है। तो पहला सही है, कथन सही है, कारण गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें देखिए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होता है। मानव शरीर द्वारा विटामिन ए, विटामिन B1 अर्थात थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, विटामिन E तथा विटामिन K ये संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। मानव शरीर अधिकांश प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थित ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से विटामिन B3 का निर्माण कर सकता है। साथ ही मानव शरीर विटामिन D का भी संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक संयुक्त रूप से लगभग 18 विटामिन मुख्यतः 7 एवं लगभग 14 खनिज शामिल होते हैं तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता है। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कारण जो है जिसमें लिखा कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो नहीं, ये अनिवार्य सूक्ष्म पोषक जो तत्व होते हैं या पोषक इनका संश्लेषण नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन दिए गए हैं, ये जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम जो होते हैं, कौन सा कथन सही है बताना है, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही बात है। दूसरा, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन यहां पर आपका सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं, काफ़ी तेजी से संपन्न करते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। आगे चलते हैं। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, किसका? लोहे का अभाव होता है, लौह का, आयरन का। तो माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। लैक्टेशन अर्थात दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक तो जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के पथरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलोस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? देखिए, इसमें जो तिलचट्टा होता है इसका रंग, जो खून ब्लड होता है वो रक्तहीन होता है। अब आप रक्तहीन को सफ़ेद ही मान कह सकते हैं, परंतु वास्तविकता में क्या होता है, रक्तहीन होता है। तो आप यहाँ पे बी को मान सकते हैं, पर इसको आयोग ने अपने अंतिम उत्तर कुंजी में से इस प्रश्न को ही हटा दिया था। देखिए, ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। ठीक है, चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है, हीमोग्लोबिन होने की वजह से जो रक्त होता है वो लाल हो जाता है। काकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है।
काकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था अंतिम में। पहले इसका उत्तर उसने तिलचट्टा ही माना था, फिर बाद में हटा देता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दाल, जो दालें होती हैं उनके जड़ों के साथ। तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों अथवा दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे अमोनियम बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिकारक जीवाणु द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइड या फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है आपका हार्मोन है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है। रेयॉन क्या है? रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयॉन क्या है? विनिर्मित फाइबर है, ठीक है, या कह सकते हैं संश्लेषित फाइबर है। तो जिसे प्राकृतिक स्रोतों यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजव्यवस्था संबंधित प्रश्नों को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 90, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। 50% सीटें, ये ऐसा नहीं है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये कथन आपका सही है। तो डी आपका सही हो जाएगा, केवल 3। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार, 243B के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में भीतर समाविष्ट किसी ग्राम संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। स्पष्टता, इसमें केवल गांव के व्यस्त लोग ही शामिल हैं। तो ग्राम स्तर जो ग्राम सभा है, इसमें सभी निवास करने वाले नहीं, बल्कि जो व्यस्क हैं उनको ही शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 243B के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 243D के अनुसार, 243D के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी उस पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहेंगे। तथा खंड 2 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए 1/3 का प्रावधान किया गया है। राज्य जो है, मतलब संपूर्ण महिलाएं, उसमें हर कैटेगरी की महिलाएं आ जाएंगी, और राज्यों के पास ये अधिकार है कि उसे वो 50% भी कर सकते हैं। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कथन केशी हुयर का है। ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद केशी हुयर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण है। कथन है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो ये कथन आपका, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, ये कथन गलत है। कारण सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथा केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों की भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं, तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार ना होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय, जिसके तहत क्या है, उच्च न्यायालय की कार्रवाई
तो 226 के अधीन कार्रवाइयों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए हैं तथा 43वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1977 द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 93 पर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को, और सर्वप्रथम जो है वर्ष 2010 में इसको मनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43A में। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारित तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंतर स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मामले, जो कि 1960 का मामला है, में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना तथा यह निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार यदि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तथा संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु प्रस्तावना की सहायता न्यायालय द्वारा ली जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में, तो इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है 162 में। तो 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। देखिए, आयोग ने अंतिम रूप से इस जो है प्रश्न को हटा दिया था। अगला है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया था? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो ये हुआ 1976 में। वर्ष 1976 से पूर्व भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग को लेखांकन और लेखा परीक्षा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करना होता था। वर्ष 1976 में CAG कर्तव्य शक्तियों और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा अर्थात ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 में केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्व अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है, राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर नहीं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। प्लान डेवलपमेंट का विरोध इन्होंने किया था। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमप्रक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहाँ के निवासियों की सभी आवश्यकताएँ वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आयोग ने इस प्रश्न को भी अपने अंतिम मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, जबकि इससे पहले के जो अनंतिम उत्तर कुंजी थी उसमें महात्मा गांधी को सही माना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कथन कारण का प्रश्न है। तो कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। कारण, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये भी सही अपनी जगह पर कथन कारण सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध
इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। स्पष्टता, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा या से कथन सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं है, सही कथन है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्त स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अव्यक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक होने सकने का सकने कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत सभी नागरिकों को वाक के स्वातंत्र और अव्यक्त स्वातंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान मानहान या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में आता है, जनगणना संघ सूची में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है बल्कि चौथी अनुसूची में है, ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। द्वितीय अनुसूची में आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची में क्या है। दल बदल विरोध ये दसवीं अनुसूची में है। यहाँ देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में है, जनगणना ये भी सातवीं अनुसूची में संघ सूची में है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, जबकि जो 12वीं अनुसूची में है उसमें 18 विषय हैं जो नगरपालिका नगरीय स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं जिन्हें पंचायतों के कार्यक्षेत्र में सौंपा गया है। 103 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह 1977 में अस्तित्व में आया, सही बात है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये भी सही है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही नहीं है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है, पीएमओ का, तो पहला तो सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1947 से 77 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाने गए कार्यालय को का वर्ष 1977 में नामकरण प्रधानमंत्री कार्यालय, पहले ये प्रधानमंत्री सचिवालय हुआ करता था, बाद में ये प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, पीएमओ के रूप में किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर पी के मिश्रा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं ये 4 राज्यों असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें से 4 में से त्रिपुरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि सिक्किम नागालैंड यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो देखिए, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, अन्य जगहों पे 5वीं अनुसूची लागू होती है। 6वीं अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है, सिक्किम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। तो 4 नाम याद रखिएगा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रतिक्षीकरण, ये क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, बी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये प्रतिषेध जो है टू बी सर्टिफाइड नहीं है। अधिकार परीक्षा, बाई वाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हैं? तो देखिए, टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षा के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध के लिए।
आगे चलते हैं, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के एक में परिभाषित है। धन विधेयक या मनी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है यह घोषित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा द्वारा पारित होने पर धन विधेयक राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। यदि राज्यसभा विधेयक प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा के पास उस विधेयक को वापस कर दे तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी, लेकिन लोकसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये मैसूर में, ठीक, कहाँ पे है? मैसूर में अवस्थित है। देखिए, भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे स्थित है। वर्ष 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, जो कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 2019 में इसका 100 साल हुआ था। आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्नों को देखें तो देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है में क्या सम्मिलित होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये सभी के सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में देखते हैं तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 100 से अधिक विकासशील देशों में चरम बहुआयामी गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के संदर्भ में चरम निर्धनता एक्यूट पॉवर्टी का मापन करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो किसे माना गया है? पहल जो योजना है, ठीक है, पहल योजना को। अब पहल योजना क्या है? देखिए, वर्ष 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उसकी पहल योजना है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ या नगद हस्तांतरण योजना के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया था। पहली योजना का पूरा नाम है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह योजना देश के 54 जिलों में 15 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। 1 जनवरी 2015 से इसे देश के 6 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत शामिल LPG उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर बाजार मूल्य पर प्राप्त होता है तथा उस पर दी जाने वाली LPG सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है ये हमें बताना है। इसमें देखिए, तीन कथन है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही बात है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है, ये भी सही है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, तीनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया, ठीक है। इसके प्रावधान को हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। अगला है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व घोषणा, ये सभी के सभी जो हैं इस संदर्भ में किए गए उपायों के संदर्भ में सही हैं। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। सामान्य रूप से भूमि सुधारों, लैंड रिफॉर्म तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधारों, टेनेंसी रिफॉर्म का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टों या जोतों के स्वामित्व पर या स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से प्रचलनात्मक जोतों को पुनर्संगठित करना है। भूमि सुधारों के तहत मध्यवर्तियों का उन्मूलन और पट्टेदारी सुधार जिसके तहत लगान का विनियमन, पट्टेदारों हेतु पट्टा अवधि की सुरक्षा तथा उन्हें पट्टेदारी का स्वामित्व प्रदान करना शामिल है। इस पूरी अवधारणा का उद्देश्य जो है वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान कर उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना है। पट्टेदारी की सुरक्षा और लगान के विनियमन के साथ वास्तविक कृषकों को पट्टेदारी पर स्वामित्व प्रदान करना कृषकों को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सही बात है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है।
क्षमतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, ये भी सही है। तो चारों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्यक्रम बीपीएल परिवारों के लिए नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, ये तो है, परंतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसके तहत नहीं आता है। आगे देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल के परिवारों के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसके तहत 5 उपयोजनाएं या कार्यक्रम हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना, ये 5 हैं, 5 नाम महत्वपूर्ण याद रखिएगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। देखिए, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन में जो क्रम दिए गए हैं वो सही नहीं है, ठीक है, क्यों, इसकी व्याख्या थोड़ा देखें। देखिए, नायक समिति जो है आपका 1991 का है, नायक समिति 1991, एक सेकंड यहाँ देखते हैं, नायक समिति 1991 का है। आबिद हुसैन समिति जो है ये 1995 का है, और एस एस कोहली समिति 2000 का है, वर्ष 2000 का। कार्वे समिति जो है ये 1955 का है। तो यदि आप क्रम लगाएंगे, यदि आप इसको क्रम लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कार्वे समिति आएगा, मतलब 4 नंबर कार्वे समिति की, ये आपका हो गया 4 नंबर। फिर इसके बाद क्या होगा, नायक समिति 1 हो जाएगा, फिर आपका आविभूषण समिति 2 हो जाएगा, और फिर एसएस कोहली समिति 3 हो जाएगा। एसएस कोहली समिति 2000 का है, तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 4 1 2 3 ये कहीं विकल्प में है ही नहीं। तो इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर जो है वो सी माना था, 4 2 1 3 माना था, ठीक है, परंतु बाद में इसने क्या किया था, अपने जो अंतिम उत्तर कुंजी थी वहां से इसको बाहर कर दिया गया था मूल्यांकन से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष। तो आप देखेंगे, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ये 1976 का है, 2 से मिला दीजिए 1976। समन्वित बाल विकास योजना ये 1975 का है, 1 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है ये 1983 का है, 4 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है, आप इसको 3 से मिला दीजिए, 3 से, तो 2143, मतलब आपका, और विकल्पों को देखें थोड़ा सा, यहाँ पे 2143 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 है, समन्वित बाल विकास योजना 75 का है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 का है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है। आगे 2 कथन दिए गए, कथन करने वाला प्रश्न है। कथन है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, सही बात है, कारण क्या है? पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। देखिए, यहाँ पर पहला कथन सही माना गया है, दूसरे को गलत माना गया है, तो इस प्रकार से आपका सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या थोड़ा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में भारत महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। यह वर्ष 1999 से 2000 के 34.1% से घट करके वर्ष 2011-12 तक 27.2% हो गई है, और भागीदारी दर में व्यापक लैंगिक अंतराल बना हुआ है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य काफी भिन्नताएं हैं। वर्ष 2009 से 10 में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 26.5% से घटकर वर्ष 2011-12 में 25.5
3% हो गई, जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की दर 14.6% से बढ़कर के 15.5% हो गई। महिलाओं के लिए श्रम बल में भाग लेने का निर्णय विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है जो घरेलू एवं समाविष्ट दोनों स्तरों पर लागू है। वैश्विक परमाणु के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कारकों में शिक्षा प्राप्ति, प्रजनन दर, विवाह की आयु, आर्थिक विकास, चक्रीय प्रवाह और शहरीकरण शामिल है। इन कारकों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले सामाजिक मानदंड भी परिणामों को प्रभावित करते हैं। भारत में महिलाओं के लिए श्रम बल में भागीदारी के कारण ही परिवार के आय में वृद्धि हुई है, जिससे शिक्षा का ग्रहण करना भी आसान हुआ। इस प्रकार कथन सही परंतु कारण गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। देखिए, निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो या वह अनुपात है जो 0 से 14 तथा 65 प्लस आयु वाली जनसंख्या तथा 15 से 64 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या के बीच के अनुपात के योग के बराबर है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक युवा आबादी जिनकी आयु 15 से 64 वर्ष के बीच में है वाला देश है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कामकाजी लोगों की जनसंख्या के अनुपात में उन पर निर्भर लोगों की संख्या में कमी आई है। 14 वर्ष और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को निर्भर माना गया है जिनकी संख्या में कमी आई है। इस निर्भरता अनुपात में वर्ष 2025 तक कमी रहेगी। तत्पश्चात वर्ष 2040 तक यह स्थिर रहेगा और पुनः उसमें वृद्धि हो सकती है। और वर्ष 1975 से वर्ष 2017 के मध्य वृद्ध निर्भरता अनुपात 6.2% से बढ़कर के 9% हो गई, जबकि युवा निर्भरता अनुपात 71% से गिर करके 41.9% हो गया है। आगे देखते हैं, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? इन्हें सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य स्थित बेरोजगारी। इसके बारे में देखें कि सामान्य स्थित बेरोजगारी होती क्या है। इजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यह समीक्षा वर्ष के पूर्व के 365 दिनों में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों मतलब 183 दिनों तक कार्य नहीं करता तो उसे सामान्य स्थित बेरोजगारी कहते हैं। सामान्य बेरोजगारी दर क्रॉनिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वे सभी लोग जो सामान्य रूप से बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो देखिए, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। कंपनी एक्ट 2014 नहीं बल्कि कंपनी एक्ट 2013 ने, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% जो है 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो 1% नहीं है, 2% है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं 2% है, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत है। सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार करना, ना कि समाज पर उपकार करना। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट शासन का वह प्रारूप है जिसमें प्रक्रियाओं व प्रणालियों का ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार देता है। CSR गतिविधियों CSR गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करने की बात कही गई है या बात की गई है। कंपनी अधिनियम की धारा 135 कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है। आगे चलते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बारे में और देखें व्याख्या में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया है। PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाता है जबकि 1 की ओर जाना खराब स्थिति का परिचायक है। राज्य विशेष प्रश्नों को देखें तो कथन का वाला प्रश्न है, कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। सही बात है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी तथा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है।
महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ लंबी धूप, साफ मौसम तथा ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है। जबकि उत्तर प्रदेश, जो कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ बाढ़, जल जमाव, फसल में कीट व रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता कम होती है। अतः कथन ए सही है। और महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश हिस्सा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा किया जाता है, लगभग 99%, ठीक है। और यहाँ एशिया की प्रथम सहकारी चीनी मिल की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। तो कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का। तो देखिए, कथन कारण का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों HDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। सही बात है। कारण देखिए, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, और यह भारतीय राज्यों की HDI एवं SDG रैंकिंग के मध्य धनात्मक संबंध से स्पष्ट हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 21 दिनों के भीतर। देखिए, भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बच्चों या बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य या केंद्र प्रदेश द्वारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 21 दिन याद रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? HIV परीक्षण को। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण, ये सभी होता है, परंतु HIV परीक्षण नहीं होता है इसमें। देखिए, इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है, और इसमें HIV परीक्षण घटक को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया है। अक्टूबर, इसको छोड़ दीजिए, 2019 का करंट है। आगे देखते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा उस सूचकांक को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये प्रश्न क्या था आपका, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो ध्यान रखिएगा, नवाचार सूचकांक भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, सूचकांक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित शहरी राज्य और छोटे राज्य। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जनवरी, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में यदि बिना किसी वर्गीकरण के, अर्थात बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के साथ प्रदेश, शहरी राज्य, छोटे राज्यों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए, तो इस दृश्य से दिल्ली प्रथम स्थान पर रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बुकर प्राइज विजेता 2019 की है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हम देखते हैं बुकर प्राइज 2020 की विजेता कौन है। तो ये है पुस्तक सगनी बैन के लेखक डगलस स्टूअर्ट रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। आगे चलते हैं, ये छोड़ दीजिए करंट को। अगला है, ये भी पुराना करंट हो गया। आगे चलते हैं, इसमें एक सेकंड, प्रश्न है आपका पैरा एथलीट दीपा मलिक। तो ये 2019 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है। तो जो लेटेस्ट है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल करके, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। वर्तमान में इस पुरस्कार में खिलाड़ी को 25 लाख रुपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, और कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु प्रदान किया गया है। तो 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। और ये सभी खिलाड़ी ओलंपिक 2021 के प्रतिभागी रहे हैं, और यह पुरस्कार केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे हुआ था। तो हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2021 इसके बारे में। तो देखिए,
वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे COP26 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा। आगे चलते हैं, यहां पे भारत के वैश्विक भूख सूचकांक में क्या स्थान था 2017 की बात कर रहे हैं, हम लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2021 की रैंकिंग की बात करें तो 116 देशों में से 101वां स्थान, जबकि 2020 में 94th था। 2020 के कंपेयर में भारत की स्थिति और खराब हुई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 134 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में, तो यहाँ पे हमें जो लेटेस्ट आंकड़ा है जुलाई 2021 में इस सत्र का पुनः आयोजन जो है चीन के फुजियान प्रांत में किया गया। तो जो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है इसका इसकी जो बैठक है या आयोजन इसके सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया लेटेस्ट जुलाई 2021 में चीन के फुजियान प्रांत में किया गया। इस सत्र में तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर तथा राजस्थान के धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ भारत में या भारत के कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई है, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। IMF के 9 नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? तो ध्यान रखिए IMF की जो प्रबंध निदेशक हैं ये कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वर्तमान में भी यही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको भी छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है। यदि हम लेटेस्ट देखें कि लेटेस्ट किसको मिला है, एक सेकेंड, 2021 का, तो वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है कनाडा के डेविड कार्ड तथा इजराइल के जोशुआ डी एग्रिस्ट, जो इजराइल अमेरिकी है, तथा डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू इम्वेंस को संयुक्त रूप से दिया गया। 3 लोगों को दिया गया, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और ग्यूडो डब्ल्यू इम्बेंस को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, यहां इसकी भी जरूरत नहीं है, ये पुराना है। हाँ, अब विविध क्वेश्चनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न से किससे संबंधित है? तो ये IT अधिनियम से, RTI अधिनियम से संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है नामक सामाजिक आंदोलन RTI अधिनियम से संबंधित है। देखिए, ये सूचना के अधिकार है तो संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार है जन आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? तो इसका संबंध जो है बांस कला से है। किससे है? बांस कला से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, एक सेकेंड, बिविलियोमेट्री क्या है? यह सूचना प्रबंधन उपकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो वापसी की शक्ति जो है ये एल्बिडो से संबंधित है। किसी सतह की परावर्तन की क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है, कि जमी हुई बर्फ का एल्बिडो उच्च होगा, हाई होगा, जिसका तात्पर्य है कि सौर विकिरण को अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जबकि हरित क्षेत्रों जैसे कि वनों एवं मैदानों का एल्बिडो निम्न होगा। आगे देखते हैं, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है या है? तो देखिए, इसमें आप देखेंगे, एक सेकेंड, तो यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पर पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए सही बात है। यह गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए यह भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गहरी कार्बन वेधशाला DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत
गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। सही बात है, हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुल भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर माना गया है कि कथन कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। बस इतना ही इसके बारे में आप याद रखिए। 149 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 149, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। सही बात है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। शतारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौश ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये कथन गलत है आपका। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया, ये भी कथन आपका गलत है। दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संबोध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्य है, तो ये जो भारतीय कैलेंडर है किस पर राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के पे, ठीक है। और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अधिवर्ष में 21 मार्च को और सामान्यतः 22 मार्च को पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और दो वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।